स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल रिधिमा ट्यूटोरियल में। तो आज मैंने बहुत ही प्यारा ब्लाउज डिजाइन का वीडियो शेयर किया है। यदि मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। फिर तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका लंबाई हम 13.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई 10.5 इंच। आर्म होल का लंबाई हम 6 इंच रखेंगे और 3 इंच हम कंधा रखेंगे और गले का जो लंबाई है वो 9 इंच और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। तो चलिए इसे हम अस्तर पर पहले पिनअप कर लेते हैं। देखिए, मैंने दोनों तरफ से पिनअप कर लिया अस्तर पर, अस्तर और कपड़े पर। तो चलिए पूरी में पहले सिलाई अटैच करेंगे। ये बहुत ही प्यारा है डिजाइन प्रिंट। एक बार पूरा पूरा वीडियो को आप लोग देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, हम पूरे में सिलाई अटैच कर लिए हैं। पहले कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। तो हम पूरे में कट लगा लेंगे। तो हम ऊपर से भी एक सिलाई अटैच कर ले हैं। तो हम पूरे में सिलाई अटैच कर लेंगे ताकि मेरा अस्तर और कपड़े अच्छे से ज्वाइंट हो जाए और इधर उधर नहीं खिसके। तो देखिए, मैंने पूरी में सिलाई अटैच कर लिया है। तो हम दोनों तरफ से टॉक्स लगा लेंगे। ये टॉक्स हम 1-1 इंच के हम टॉक्स लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, डिजाइन के लिए मैंने 2.5 इंच का चौड़ाई का एक पट्टी लिया है, उस पर भी एक सिलाई अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को पहले हम कटिंग कर लेंगे। तस्वीर या कोई चीज से इसे हम पलट लेंगे। ये मेरा बैक हुक है फ्रेंड्स, इसमें बैक में हुक हमला अटैच करेंगे। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से बीचों बीच। तो देखिए, इस कपड़े पर हमने
प्रेस किया हुआ है और हम प्लेट्स लगाएंगे। एक एक इंच पर हम प्लेट्स को लगाएंगे। देखिए वैसे ही हम पूरे में प्लेट्स को लगा लेंगे। तो देखिए हमने पूरे में अटैच कर लिया है। तो जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो वैसे ही हम दूसरा पार्ट पे भी प्लेट्स को दे लेंगे। तो देखिए हमने दे दिया। और चलिए बैक हुक के लिए मैंने कपड़ा जोड़ा है। तो इस पर भी हम सिलाई अटैच कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से भी हम एक सिलाई अटैच करेंगे ताकि जो जो मेरा बैक का कपड़ा है वो अच्छे से बढ़ जाए और फिनिशिंग के साथ है। तो वैसे ही दूसरा तरफ भी हम कपड़ों को सिलाई करेंगे। ये मेरा बढ़ाव पेटी है। इस पर भी हम ऊपर से भी एक सिलाई अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पट्टी हम तैयार कर लिए हैं। नीचे का पार्ट है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। और इस पर हम लेस के थ्रू डिजाइन बनाएंगे। एक इंच का हम मार्जिन छोड़कर दूसरा लेस अटैच करेंगे। तो देखिए ऊपर से जो प्लेट्स है उसके ऊपर से भी हम लगाएंगे लेस को।
वैसे ही दूसरे पार्ट को भी हम तैयार कर लेंगे। अब नीचे भी हम लेस लगाएंगे। तो देखिए मेरा वीडियो तैयार हो गया है, तो मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।